पैरा कमांडो, देश की बहुत बेहतरीन कमांडो की नाम अगर आप ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले पैरा कमांडो का नाम आता है। जैसे कि पैरा कमांडो इंडियन आर्मी के अंडर में रहता है, उसमें एक स्पेशल फोर्स के नाम से बहुत आदमी जानते हैं, और पैराचूट रेजिमेंट के अंडर में इनकी ट्रेनिंग और ड्यूटीज चलता है। इनकी मोटो क्या है? मैन अपार्ट एवरी मैन एंड एम्परर, इसकी मोटो के साथ में काम करता है। इनकी रोल कौन सा ड्यूटी करता है? स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शंस, पर्सनल रिकवरी, काउंटर टेररिज्म, हाई वैल्यू टारगेट्स, ये लोग का ड्यूटी है। और अन्य ड्यूटी भी करते हैं जो इंटरनल ड्यूटीज़। और उसके बाद में इनकी 8 बटालियन आए इंडिया के अंदर में। ये बड़ी बड़ी ऑपरेशन में भी ये ड्यूटी कर चुके हैं, जैसे कि श्रीलंका में 1987 LTTE रिगार्डिंग काम कर चुके हैं, और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जो गोल्डन टेंपल की बात थी, न्यूज़ थी, उसमें भी ये लोग ड्यूटी कर चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में 1984 की बात थी, और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर जब चल रहा था उसमें भी ये लोग का ड्यूटी उपस्थित थे ये लोग का। जैसा इसमें बात आता है तो कि इंडियन पैरा कमांडो में आप कैसा ज्वाइन हो सकते हो? इंडियन पैरा कमांडो में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले आपको आर्मी में ज्वाइन होना पड़ेगा। उसमें चाहे आप सिपाही हो, चाहे आप ऑफिसर रैंक में भी आप एंट्री कर सकते हो। जैसे कि आर्मी में आप ज्वाइन में सर्विस में ज्वाइन होने के बाद में आपको 5 साल की सर्विस एकदम नीट एंड क्लीन रहना है। जैसे कि आपकी कोई पनिशमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, वैसा बंदा उसमें आपकी जो ऑन इंडिविजुअल इम्पोर्टेंसी से आप जा सकते हो, इंडिविजुअल की इच्छुक से जा सकता है पैरा कमांडो में जाने के लिए। सबसे पहले अपील जो है अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए पैरा कमांडो के लिए। जो अप्लाई करते हैं उसको बुलाया जाता है, उनकी फिजिकल और फायरिंग और उनकी साइको टेस्ट और उनकी मेडिकल वगैरह सब कुछ टेस्ट लेकर जो सेलेक्ट होता है उसी का लेता है। अब आता है बारी पैरा कमांडो का ट्रेनिंग। पैरा कमांडो ट्रेनिंग जो होता है एनएसजी से भी बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होता है। बहुत कठिनाइयों को सामने देखते हुए ट्रेनिंग को देते हैं। जैसे कि ऑन फील्ड में कैसा करता है, इनकी ड्यूटीज़ के दौरान में जो 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 कठिनाई आता है उसको इधर ही से इनको समझाया जाते हैं। और इस ट्रेनिंग में लगभग 80% कैंडिडेट जो है डिसक्वालीफाई हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं, कि इसकी हार्डनेस को देख के वापस चले जाते हैं। जैसे कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 90 डेज़ का होता है, ये बेसिक ट्रेनिंग होता है। ये पूरी ट्रेनिंग अगर बात किया जाएगा तो 180 डेज़ की ये ट्रेनिंग होता है, और इस ट्रेनिंग के दौरान में 80% लोग वापस चले जाते हैं ना ही करने की वजह की बात में, बाकी कुछ नहीं है। इसमें अगर ज्वाइन होना है तो आपकी सबसे पहले इंडियन आर्मी में आप ज्वाइन होना पड़ेगा, उसके बाद में ही इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। पैरा कमांडो इंडिया के माना हुआ कमांडो है, अपना देश के लिए बहुत काम कर रहा है, और ऐसा कमांडो को शायद कुछ साल तक हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम करते हैं और हाई वैल्यू टारगेट्स को सामने करके उसको सक्सेस करके दिखाते हैं। इनकी हर चीज़ की ट्रेनिंग होता है, पानी में भी, जहाज से भी, और उनका फ्लाइट से और हेलीकॉप्टर से भी कैसे कूदना, ये सब कुछ बहुत हार्डली ट्रेनिंग दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग में लगभग 6 से 7 घंटा एक दिन में फिजिकल ट्रेनिंग में लगाए जाते हैं, और वेपन ट्रेनिंग उसके साथ ही साथ कराते हैं, और दिन में
कम से कम 13-14 घंटा ट्रेनिंग ही दिया जाते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं, रात में भी दिया जाते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ पैरा कमांडो के बारे में आप जान गया होगा, कैसा ज्वाइन होना और उसकी ट्रेनिंग के बारे में। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जय कीजिए और हिंद, जय कमेंट कीजिए, भारत, हमारे चैनल जय को पैरा सब्सक्राइब कीजिए। कमांडोज। सरकारी नौकरी के बारे में इस वीडियो